कहानी यूरोप के एक सम्राट के समय की है। इस सम्राट के पास एक अद्भुत राजमहल था और राजमहल का सबसे सुंदर हिस्सा था उसका हरा भरा बगीचा, जो हर तरह के फूलों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ फूल धरती पर कहीं भी नहीं पाए जाते थे, वो सिर्फ इस बगीचे में ही पाए जाते थे। माली उन्हें छोटी छोटी घंटियों से सजाता था। बगीचा इतना बड़ा था कि अगर ऊपर से देखा जाए तो वो जंगल तक फैला हुआ नजर आता था। जंगल से एक नदी बहती थी और उसके पास ही एक बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल इतना मीठा गाती थी कि उसका गाना सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। ये राज्य बहुत नामचीन होने के कारण लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। लेखकों ने इस राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा था और ज्यादातर लोगों ने बुलबुल और उसके गाने के बारे में भी लिखा था। ऐसी ही एक किताब एक दिन राजा ने खुद पढ़ी। बुलबुल के बारे में पढ़ते ही वह सोच में पड़ गया। हमारे राज्य का यह कौन सा पंछी है? शायद इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। मैं ये क्या पढ़ रहा हूं मंत्री जी? हमारे राज्य में कोई एक पंछी है जिसे बुलबुल कहते हैं, जो बहुत सुंदर गाती है, जिस कारण उसे इस प्रदेश का सबसे सुंदर जीव माना जाता है। हमने इसके बारे में पहले सुना कैसे नहीं? मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है महाराज। जाकर ढूंढिए उसे और उससे विनती कीजिए कि आज शाम मेरे सामने दरबार में गाए। महाराज, ये बड़ी प्रशंसनीय बात है कि लेखकों ने एक पंछी को अपने मन मुताबिक जीव के हिसाब से लिख दिया, लेकिन असलियत में ऐसा कोई पंछी है ही नहीं महाराज। नहीं, ये किताब मुझे भारत के राजा ने भेजी है। इसमें लिखा हुआ कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। हमें बुलबुल का गाना सुनना है। उसे शाम तक हमारे पास लाइए, वरना पूरे राज्य को सजा मिलेगी। जैसा आप कहें महाराज। ऊपर नीचे दाएं बाएं महल में मिलने वाले हर इंसान से प्रधानमंत्री ने पूछा, लेकिन किसी ने भी बुलबुल के बारे में सुना नहीं था। उससे जो भी मिलता उसे उसने पूछना जारी रखा। अंत में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल? हाँ, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे गाते हुए भी सुना है, वो नदी के पास रहती है। वो दोनों जंगल के उस इलाके में पहुंच गए जहां वो आमतौर पर गाया करती थी। बुलबुल ने गाना शुरू किया, तब छोटी लड़की ने कहा, देखिए उधर देखिए, ये वही पंछी है। मैंने इससे बेहतर धुन इससे पहले नहीं सुनी। जब महाराज सुनेंगे तब वो बहुत खुश होंगे। राजमहल आ जाओ मेरी प्यारी बुलबुल, महाराज ने तुम्हें गाना सुनाने की विनती की है। महाराज की विनती मेरे लिए सम्माननीय है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बुलबुल को साथ लेकर वो राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल को भव्यता से सजाया गया था और सुंदर रूप से चमकाया गया था। हर दरबारी और सरदार वहाँ मौजूद था। बुलबुल के बैठने के लिए खास तौर पर सोने का खंभा बनाया गया था। बुलबुल उस पर बैठ गई और उसने गाना शुरू किया। उसका गाना इतना मनमोहक था कि महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मेरी हीरे की अंगूठी बुलबुल के गले में पहना देनी चाहिए। नहीं महाराज, मुझे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरा इनाम है। महाराज ने आदेश दिया कि बुलबुल राजमहल में ही रहेगी। एक सजाया हुआ सोने का पिंजरा उसके लिए तैयार किया गया। उसे दिन में दो बार और रात को एक बार उड़ने की इजाजत दी गई। उसके साथ 12 सैनिक और उसके पैर पर लाल कपड़ा बांध दिया गया था। इस वजह से बुलबुल के उड़ने की इच्छा मर गई। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन किसी ने महाराज को एक बक्सा भेजा जिस पर बुलबुल उकेरा हुआ था। लगता है बुलबुल के बारे में एक नई किताब लिखी गई है। फिर भी उस बक्से में किताब नहीं थी। बक्से में एक हीरों से जड़ी हुई बुलबुल थी और जब उसकी पूंछ खींची जाती तब वो असली बुलबुल की तरह ही गाती। क्या बात है, चलो अब इन दोनों को एक साथ गवाते हैं। दोनों बुलबुलों को एक साथ गवाया गया, लेकिन उनकी इकट्ठा आवाज अच्छी नहीं लग रही थी। असली बुलबुल जो चाहे वो गा सकती थी
और नकली बुलबुल बस उतना ही गा सकती थी जितनी धुनें उसमें पहले से डाली हूँ। उतने ही धुनें गाने की नकली बुलबुल की क्षमता थी। उसकी आवाज बिल्कुल असली बुलबुल की तरह थी। वो बहुत आकर्षक दिखती थी, जिसका कारण उसके गहने ही थे। बाद में महाराज ने असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा जताई। बुलबुल को क्या हुआ? उसे जाते हुए किसी ने देखा? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है? ऐसा लगता है कि वो राजमहल छोड़कर गई है। हर कोई संतुष्ट था, क्योंकि उनके पास नकली बुलबुल थी, जिसे उन्होंने फिर से सुना और उसके गानों का आनंद लिया। भारत के राजा से मिले उस उपहार से हम बहुत खुश हैं। मंत्री जी, अगले रविवार को एक समारोह का आयोजन कीजिए। हम चाहते हैं कि इस बुलबुल का सुंदर गाना पूरा राज्य सुने। जैसे आपकी इच्छा महाराज। आने वाले रविवार को बुलबुल के गाने का समारोह रखा गया था। हर किसी ने उसका आनंद लिया। वाह, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन असली बुलबुल की तरह नहीं है। जब वो गाती थी तब आंखें भर आती थी। नकली बुलबुल को महाराज के कमरे में उनके पलंग के पास रखा गया। महाराज सोने से पहले उसके गाने सुनते थे और उन्होंने उसे शाही गायिका की उपाधि प्रदान की। फिर भी एक रात को जब बुलबुल महाराज के लिए गा रही थी, तब उसके अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अगली सुबह महाराज ने उसे घड़ी सास से ठीक करवाने की कोशिश की। देखिए महाराज, मैंने गहराई से इस यंत्र की छानबीन की है। मैं इसे ठीक करूंगा तो इसके सारे गाने बंद हो सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये फिर कभी गा नहीं सकेगी। कई साल गुजर गए, महाराज बीमार हो गए और उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। महाराज, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? आपके लिए क्या लाऊं? महाराज ने कुछ नहीं कहा। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो कुछ और नहीं बोल पा रहे थे सिवाय गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल, गाओ। लेकिन बुलबुल तब भी चुप रही। महाराज की खिड़की के बाहर से आने वाली गाने की आवाज से महाराज चौंक गए। महाराज का चेहरा खुशी और उम्मीद से खिल उठा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि असली बुलबुल उनकी खिड़की में बैठी थी। तुम वापस आ गई, गाओ गाओ मेरी प्यारी बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, लेकिन आज वापस लौटकर तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? महाराज, आपने मुझे पहले ही पुरस्कार दिया है। जब मैंने पहली बार आपके सामने गाया, तब आपकी आंखों से आंसू आए थे। किसी कलाकार के लिए उससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल, जब तुम्हें लगे तब तुम गाओ। मैं तुम्हें गाने के लिए आदेश नहीं दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये राजमहल मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपसे मिलने की इच्छा होगी तब मैं यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यहाँ पास में ही घोंसला बना लूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। मैं मेरे गीत के माध्यम से आपको पूरे राज्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना बोलकर बुलबुल वहां से उड़ गई और महाराज को समझ में आया कि हमें कभी किसी भी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी उनकी मर्जी से जीने का अधिकार है। किसी को भी किसी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। और आजादी से उड़ने वाले, पेड़ों पर जंगलों में गाने वाले पंछी ही अच्छे दिखते हैं। समाप्त।